You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6, तो अभी बस मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई है और अब जाके सोने का सोऊंगा। उसके बाद फिर आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मेरे 24 आवर्स की, मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ शिप पे, खाना पीना क्या काम करता हूँ, स्टेयरिंग एंड जो भी है वो सब बताऊँगा आपको बाद में। तो अभी चलो, अभी टाइम हो रहा है 6 बज के, अभी सीधा सोने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग अगेन। टाइम हो गया, देखो सुबह के 11 बज रहे हैं और अब जाके मेरा फिर से मॉर्निंग में सुबह 6 बजे सो गया था, उसके बाद अब उठ रहा हूँ। तब उसके बाद अब उठता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, बाकी फिर इसका तो अपना डेक वर्क पे जाना है, तो जो भी अपना डेली का मेंटेनेंस रहता है। चलो आपसे बाद में मिलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद। गाइस हो गए फ्रेश, अब जाता हूँ ब्रेकफास्ट करता हूँ, देखते हैं ब्रेकफास्ट लंच जो भी है एक साथ ही होगा, 11 बजे कौन सा ब्रेकफास्ट होता है जो भी है देखते हैं। उसके बाद अपना ड्रेस चेंज करते हैं और उसके बाद अपना डेली वर्क करते हैं जो भी है, फिर दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या करता है, क्या क्या मतलब जितना जो काम आज होगा वो करेंगे, बाकी तो काम तो सिर्फ चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं शिप पे मेंटेन। रेस्टरूम में पहुंच कर लेते हैं प्लेट स्पून जो भी है, तो देखते हैं क्या बनाया, पहले इस प्लेट का देख लेते हैं, फिर जो भी होगा दिखाते हैं आपको। गाइस पहुंच गए मेस्टरूम में, वो पड़ा जो भी बना है वही है बस, ये चावल हो गए। देखते हैं पहले थोड़ा सा माइलो ले लेते हैं, जूस जूस तो क्या माइलो ले लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में जो भी होगा देखते हैं। प्रॉन्स ये ब्रेकफास्ट मैगी लेते हैं, प्राउंस वगैरह तो मैं खाता ही हूँ, और सुबह सुबह इतने 10-11 बजे में चावल ऐसे भी नहीं करता हूँ। चलो ले लेते हैं गाइस, अपना ब्रेकफास्ट आ गया मैगी माइलो, बस अब इसको निपटाते हैं उसके बाद फिर बाकी काम करते हैं। चलो गाइस हो गया अब रेडी अपना डे वर्क के लिए, अपने आगे अपनी असली औकात में अपने असली ड्रेसअप पे। चलो अब चलते हैं, बाकी देखते हैं क्या क्या काम करना है आज, जो भी काम है दिखाते हैं आपको हम क्या करते हैं। गाइस अब मेरे को जो आज का काम दिया गया है, आज मेरे को सुपरब का आइटम्स कलेक्ट करने हैं, सुपरब का ड्रम प्रिपेयर करना है, जो भी सब पेंट करना है, जितने के आइटम्स होते हैं सुपरब के तो जो भी अपने पास अभी अवेलेबल है तो उन सबको करना है। चलो उनको ही कलेक्ट करता हूँ जहाँ जहाँ से भी जो भी मिलता है। ये रहा ड्रम, इसको पहले रिपेयर करना है पूरा, इसको साफ करके पेंट करके बाकी जितने भी आइटम्स हैं वो सारे करने हैं, और बगल में हमारी फिशिंग मच्छी पकड़ने के लिए जो भी है। गाइस आज का काम ख़त्म हो गया, वैसे तो ये टाइम बचा था पर बारिश आ गई तो प्लस पॉइंट मिल गया, तो अब देखते हैं, अब जाता हूँ नहाऊँगा धोऊँगा अपना ड्रेस चेंज करूँगा और उसके बाद सीधा ड्यूटी में स्टेयरिंग ड्यूटी, तो स्टेयरिंग करेंगे जाके, देखते हैं। गाइस टाइम हो गया अपना ड्यूटी का, तो अब चलते हैं ड्यूटी में सीधा अपना, हम पानी लेके जो भी है। चलो टाइम आ गया ड्यूटी का, तो चलो ड्यूटी सीधा ब्रिज पर मिलते हैं। There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Guys,
फ्रेश ड्यूटी मेरी स्टार्ट हो गई है, तो अब बस यहाँ पे बैठ के क्या करना, कुछ नहीं करना, अपना मूवी देखेंगे साथ में, स्टेयरिंग करते करते मूवीज डाउनलोड कर रखी है वो देखेंगे, और उसके बाद ही शाम को जैसे ड्यूटी ख़त्म होती है उसके बाद जाऊँगा खाना बनाऊँगा, क्योंकि मैं अपना खाना मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद ही बनाता हूँ, क्योंकि जो हमारा शेफ़ है वो नाम मात्र का शेफ है, मतलब उसकी क्या ही बोले उसको, तो इसलिए ऐसे भी इंडोनेशियन बंदा है वो खाना बनाना उसको हमारा आता नहीं, तो इसलिए मैं अपना खाना खुद ही बनाता हूँ, सब्जी रोटी जो भी है वो शाम को दिखाऊँगा आपको क्या करते हैं खाना वगैरह हमारा कैसा होता है। चलो अब टाइम पास अब करते हैं, स्टेयरिंग करते हैं, तब तक फिर आपको शाम में मिलते हैं। वैसे भी सी सही हो गया, जब काम कर रहा था तो बारिश आ गई थी तो काम बंद कर दिया, तो अब सी सही हो गया, तो बस कुछ हल्की हल्की पिचिंग हो रही है, रोलिंग हल्की हल्की सी, अगर आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये है अपना स्टेयरिंग छोटा सा है, बस इसको बैठ के इधर उधर करते रहो और बस हो गया स्टेयरिंग, बाकी वो सब लगा रखे हैं, धूप धूप पड़ती है ना सामने से, इसलिए और कोई था नहीं, कोई सिस्टम तो ये लगाना पड़ा, पर वो सामने जा रहा है टग बोट सामने से, अब जूम करके दिखाता हूँ आपको, दिख रहा होगा सामने से टग एंड बार जा रहा है, वो देखो सामने से। वैसे कुछ टाइम में आपको मैं टग बोट का भी दिखाऊंगा कि टग बोट कैसा दिखता है, इतना सा है बस, ये देखने में तो ये छोटा होता है बट बहुत पावरफुल होता है, मतलब शिप्स को ऐसे खींच लेता है, इसमें इंजन में बहुत पावर होती है देखने में, तो पर देखने में बहुत छोटा सा। गैस ड्यूटी होगी ख़त्म, अब चलते हैं नीचे मेस रूम में, देखते हैं कि डिनर में क्या बना रखा है चीफ कुक ने, अगर तो खाने लायक कुछ होगा तो खा लेंगे, नहीं होगा तो वैसे फिर बना लेंगे, देखते हैं जो भी है, अभी देखते हैं नीचे जा। देखते हैं अब इसने क्या बना रखा है डिनर में, चिकन चिकन फ्राई वेजिटेबल सूप, बस अपने चीफ कुक ने तो बना दिया जो बनाना था, जो मतलब खाने लायक नहीं है हमारे लिए, तो अब देखते हैं सब्जी बनाता हूँ, कुछ सब्जी वगैरह निकालते हैं, सब्जियाँ सारी भरी पड़ी है प्लास्टिक में, देखते हैं क्या क्या निकलता है, बस ये बना ये बनाते सब्जियाँ वगैरह, क्योंकि खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो बना रखा है वो तो हम खाएंगे नहीं, तो इसलिए दे चलो उसको बना लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। गई सब्जी वगैरह अब जाके कटी है मेरी, तो सब्जी काट के आंखों में आंसू आ गए, प्याज काट काट के, इतनी सब्जियां कट गई है, आलू शिमला मिर्च जो भी है, प्याज लहसुन टमाटर मिर्ची, चलो चलो बना लेते हैं इनको पहले, आपसे देखते हैं। गई सब्जी वगैरह कट गई मेरी और अब सीधा स्टार्ट करता हूँ सब्जी बना लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर रोटियाँ बनाऊँगा, चलो दिखाता हूँ आपको मैस रूम। गाइस ये अपना मैस रूम, यहाँ पे कढ़ाई लगा रखी है, गर्म हो गई है। रोटी के लिए आटा, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ, आटा वगैरह शाम देता हूँ, उसके बाद कई सब्जी मेरी बन गई, अब रोटियाँ बनाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हम तीन ही इंडियन है शिप पे, तो फिर तीनों में दोनों मिलके बनाते हैं, एक तो मास्टर है तो बाकी हम तीन दो बंदे हैं, तो दोनों मिलके बनाते हैं, वो आ रहा है तो फिर एक रोटियाँ मेलेगा और एक सेकेगा फिर, इसलिए तो ये सारी रोटियाँ पहले से तैयार करके रखी है, बस इनको थोड़ा अब इनको बेलना है, बेल के वो सेकता रहेगा बस। वैसे हम तो खाना अपना ना खुद ही बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो कुक है वो किसी काम का तो है नहीं हमारे लिए, जैसा बनाते हैं और किसी पसंद तो आता नहीं हमें, तो इसलिए हम खुद ही बनाते हैं सब्जी वगैरह, सब्जी रोटी चिकन जो भी बनाना है, तो मैं तो वैसे मैं सब्जियां ज़्यादा बनाता हूँ, बाकी चिकन के लिए दूसरा बंदा चिकन वो बनाता है, तो मैं सब्जी बनाता हूँ और रोटियाँ बनाना, चलो रोटी बनाते हैं। खाना बन गया, सब्जी रोटी सब तैयार हो गई, बस थोड़ी देर से खाएंगे, टाइम 9 बजे खाते हैं हम लोग ना, तो इसलिए 9 बजे खाना खाएंगे, कैप्टन का वेट करें, कैप्टन जैसे ही आएंगे फिर खाना खा लेंगे। ये अपनी सब्जी मिक्स वेज और ये भर के रोटियाँ, वेज डिनर वगैरह करके हो गए फ्री, अब सो जाता हूँ क्योंकि टाइम हो गया, अब ज़्यादा ही आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, अभी टाइम हो रहा है 9:45,
तो अभी सुबह 3 बजे फिर से मेरी ड्यूटी है, तो चलो अब सो जाते हैं, बाय बाय। सुबह का टाइम हो गया, 3 बजने वाले हैं, तो ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले जाता हूँ मैं, सबसे गर्म पानी लेकर आता हूँ, हॉट वाटर का एक अच्छा लगता है सुबह सुबह पीना, तो इसलिए। तो भाई ड्यूटी पे आ गया हूँ, और यहाँ पे अभी रात को कुछ दिखेगा तो नहीं, पूरा का पूरा ब्लैक आउट है, पूरा का पूरा ब्लैक आउट है, इसलिए चलो स्टेयरिंग करते हैं। बस यही था मेरा दिन का रूटीन, अब इसके बाद वही 6 बजे जाऊंगा, सो जाऊंगा, वही काम बाकी। गाइस आपने देखा कि ये था मेरा 24 hour at sea, जब हमारा सिग्नल नहीं रहता, हम सी में रहते, तो मैं क्या क्या करता हूँ, ये था। जब पोर्ट पे रहते हैं उसकी बात अलग रहती है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और हाँ, आई नो मेरे को पता है कि बीच बीच में साउंड नहीं आ रही होगी अच्छे से, क्योंकि शिप चल रहा रहता है तो फिर साउंड का डिस्टर्बेंस रहता ही है थोड़ा, इंजन की आवाज़ रहती है, विंड नॉइस रहती है, तो इसलिए क्योंकि अभी माइक वगैरह मेरा कुछ नहीं है ना। तो आने वाले वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करेंगे, जैसा बन गया, जैसा थोड़ा बहुत जैसा बन गया। चलो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे जल्दी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। You don't see the things I see.